एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्दी का भी एहसास करा दिया है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। आलम यह है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों से लेकर जिला मुख्यालय तक बारिश के पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर बार प्रशासन के द्वारा दावा किया जाता है कि समय रहते नालों की साफ सफाई करा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश के पानी से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्टर का नजारा है, जहां पर एनसीआर में हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में पानी भर गया है। इस बीच फरियादी या फिर अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट आता है तो उसे इस पानी से होकर गुजरना तो पड़ता है। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के नीचे बने इंटरपास में पानी भर गया है। आलम यह है कि लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।